This particular flight was an all economy version, and this was supposed to go to Goa from Delhi. It had come from Pune, all the passengers disembarking, and after that we had to start the boarding. Only thing was that after 10 minutes, we said, "Haan bhai, clear ho gaya sab?" Look, cleaners chale gaye andar. Kehte hain, "Nahin sir, cleaners andar nahi gaye hain, kyunki wo ek passenger baitha hua hai 1F pe, wo utar nahi raha hai." Main pahuncha wahan pe, wo maine kaha, "Sir, aap utar kyun nahi rahe?" Kehte hain, "Nahin, main nahi utrunga, I want the top management in the aircraft." To मैंने बात करी, कहता नहीं हमें सीएमडी चाहिए. मैंने कहा सीएमडी तो ऑफिस में बैठा होगा या तो घर में होगा और कहीं मीटिंग में होगा, अब तो हम तो बुला नहीं सकते. मैं यहाँ का ड्यूटी मैनेजर हूँ, आई विल सी टू इट. कहता नहीं. तो काफी देर तक यही बातें चलती रही. उसके बाद हमने परसुएड किया, हमने कहा नहीं नहीं कर सकता. मैंने कहा फिर तो यही है कि अब हमको जो भी सोर्सेस हैं, आप एमपी हो तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किसको कंप्लेंट कर सकते हैं आपके बारे में, या किसी को आप कंप्लेंट लिख कर दे दो, हम भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे. नहीं जी, उतने में वो जी बड़ी जोर जोर से बोलने लग गया. पहले मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, तो फिर कहता कि नहीं इंग्लिश में नहीं, मैं नहीं समझता इंग्लिश. मैंने कहा ठीक है फिर हिंदी में बात करता हूँ. हिंदी में बात करी तो काफी देर तक यही चलता रहा. फिर उसके बाद में एक टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी, या पता नहीं कैसा था, एक चप्पल इनका नीचे पड़ा हुआ था, इन्होंने उठाई चप्पल और मेरे को मारना शुरू कर दिया. और उतने में क्रू भी था, क्रू ने रोका इनको, "सर सर सर, आप क्या कर रहे हो, आप इतने बुजुर्ग आदमी को कैसे मार सकते हो, वो है ये है." इतने में वो एक दो कैबिन कैटरिंग वाले थे, उन्होंने भी रोका. इसने तो मेरे को धक्का मार के, वो पहले स्टेप लैडर लगता है, तो मेरे को धक्का मार कर उन्होंने बाहर कर दिया चप्पल से मार मार के. पहले तो एक साइड राइट साइड में मेरे को, मैं उधर मुंह कर गया, फिर मैं इस तरफ आ गया लेफ्ट साइड में. उतने में हमारे एक कोलीग थे मिस्टर उत्तम कुमार, उन्होंने भी रोका इनको. इतने में मेरा चश्मा पकड़ के खींच के, मेरी इधर जैकेट पहना हुआ था, जैकेट को खींचा और उसके बटन वटन सब तोड़ गए, और मेरा चश्मा जैसे ही नीचे गिरा मेरा चश्मा तो टूट गया. मान ही नहीं रहा था, मगर फाइनली आई डोंट नो हाउ दे कन्विंस्ड हिम, और इनको नीचे उतारा. और एयर इंडिया की वो खड़ी थी क्या टवेरा, उसमें इनको बिठाया और अराइवल हॉल में ले गए. उसके बाद मेरे को ऑफिस से फोन आया कि सीएमडी रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप जल्दी आओ ऊपर. फिर मैं ऊपर गया, अपनी रिपोर्ट बनाई और दे दिए. उन्होंने गाली गलौज करी? हाँ, उन्होंने तो वो MCBC, आप समझते हो ना, ये सब तो बोल ही दिया उन्होंने. नहीं, मेरी बदतमीजी क्या हो सकती है. मेरे को पता कि जब एमपी बैठा हुआ था, मैं एमपी से बदतमीजी करूंगा, सवाल ही नहीं उठता. मैंने कहा आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी यदि आप नहीं उतर रहे, तो बस ये है कि आप देखना पड़ेगा किसको कंप्लेंट कर सकते हैं. पब्लिक हैज इलेक्टेड देम एंड दे हैव टू बिहेव विद द पब्लिक इन ए डिसेंट मैनर. इट डज नॉट मेक सेंस कि दैट समबडी गोज टू देम एंड आस्क फॉर समथिंग एंड दे स्टार्ट अब्यूजिंग हिम और बीटिंग हिम, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. और मेरे लाइफ में ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई, एंड आई हैव डन एवरीथिंग एक्सीडिंगली वेल. और यह है कि हमारा मकसद यही रहता है कि फ्लाइट को टाइम पे भेजा जाए. इफ द एयरक्राफ्ट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम ए टू फिगर कन्फिग्रेशन, दैट इज द बिजनेस क्लास एंड द इकोनॉमिक क्लास, एंड मेड इन टू ए नॉन इकोनॉमिक क्लास, दैट इज एन ऑपरेशनल रीजन वाई दे हैव डन इट. एंड ही वॉज, this particular person was informed about it when in Pune. Then there was no point in coming down to Delhi and creating a ruckus here in Delhi. Most of the MPs and most of these VIPs, CIPs, were they demand, of course they always demand, their demand is always there, but every demand can't be met.